खम्मा घनीसा राजस्थान तक का परिवार हुआ फेसबुक पर 1 मिलियन पार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान में बिजली कटौती से लोगों का हाल बेहाल है। पूरे राजस्थान में जहां लोग इसे लेकर आंदोलित हैं, वहीं विपक्ष भी गहलोत सरकार पर निशाना साध रहा है। बिजली कटौती की समस्या को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तत्कालीन राजस्थान कांग्रेस सरकार ने 2013 तक तीनों डिस्कॉम पर 78,000 करोड़ रुपए का घाटा छोड़ा था। मैंने स्वराज संकल्प यात्रा में जनता से वादा किया था कि 22 से 24 घंटे उन्हें क्वालिटी बिजली उपलब्ध करवाऊंगी। इस हेतु 62,000 करोड़ रुपए का डिस्कॉम का ऋण हमारी सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था। परिणाम स्वरूप डिस्कॉम का घाटा, जो प्रति वर्ष 15,000 करोड़ रुपए की रफ्तार से बढ़ रहा था, उसे मैं कम करके 4,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष पर ले आई थी। लेकिन आज वापस डिस्कॉम 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्जे में डूब गया है, जिससे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। इसके बाद उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा कि आज राजस्थान में बिजली विभाग अति कुप्रबंधन का शिकार है। सरकार के पास कोयला खरीद और बिजली खरीद का रोड मैप नहीं है। उपभोक्ताओं का काम बिना रिश्वत के नहीं हो रहा। महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे। सप्लायर्स का बकाया भुगतान नहीं हो रहा। खराब वोल्टेज के कारण हजारों की तादाद में किसानों की बिजली मोटरें जल रही हैं। हमारे समय में बिजली इतनी सुचारू रूप से मिलती थी कि लोगों ने इन्वर्टर पैक करके रख दिए थे। ट्रांसफार्मर में खराबी की शिकायत का 3 दिन में समाधान हो जाता था। नया बिजली कनेक्शन सप्ताह भर में मिल जाता था। ट्रांसफर सप्लाई करने वालों के खातों में सीधा RTGS से पेमेंट समय पर हो जाता था। आज कांग्रेस राज में संपूर्ण प्रदेश में आमजन, किसान और औद्योगिक फैक्ट्रियां बिजली कटौती से परेशान हैं, क्योंकि सरकार ने मुफ्त बिजली के सब्ज बाग दिखाकर राजस्थान को विद्युत अराजकता एवं अंधेरे में धकेलने का काम किया है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से प्रदेश में मानसून की बेरुखी के चलते बिजली संकट गहराया हुआ है। बिजली की कमी के चलते शहरों, कस्बों और गांवों में 4 से 5 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर्स और टेक्नीशियन हड़ताल पर हैं। कई इलाकों में लाइन में फॉल्ट होने के चलते 2 दिनों से बिजली गुल है। लोग जब इसकी शिकायत बिजली ऑफिस में करने जाते हैं तो लाइनमैन के हड़ताल पर होने की बात कही जाती है, जिसने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। क्या आपके यहाँ भी बिजली आपूर्ति की समस्या है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।